आज हम लोग बना रहे हैं बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कचौड़ी। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमेशा अपने परिवार के साथ अच्छे ही रहना। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार। आज मुझे कमरा देखना है, इसीलिए जल्दी जल्दी काम निपटाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं नहा लेती हूँ और नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। सारा काम भी पड़ा हुआ है, मेरा भी काम, बस सड़ू पर चला गया। पहले नहाना है मुझे, नहाने के बाद चाय रखूंगी, पूजा करूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि और खाने में क्या क्या बनाऊंगी और कहाँ कहाँ जाना है आज मुझे। खाने में क्या बनाऊंगी? खाने में बनाऊंगी कचौड़ी आलू की, बूंदी का रायता। कचौड़ी और बूंदी का रायता, हाँ। जल्दी ला लो, चलते हैं। क्यों, बारिश भी हो रही है तेज, दोस्तों कमरा देखना है, बहुत दिमाग टेंशन पड़ा है। और दिमाग टेंशन में है, हम लोगों को कमरा देखना है क्योंकि मकान मालिक बहुत हमें परेशान कर रहे हैं। देखो यहाँ हमारे बच्चे कैसे सो रहे हैं, देखिए दोस्तों। आयुष सो रहा है वहाँ पे, आर्यन सो रहा है। आयुष है, ये बड़ा वाला सो रहा है। तैयार हो रही, नहाने के लिए जा रही है। नहा लूँ फिर मैं आपसे बात करूँ। देखो दोस्तों, संगीता कर रही है पूजा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। संगीता ने देखो पूजा कर ली है। बाबा से कह रही हूँ जल्दी से अच्छा कमरा कहीं मिल जाए, बढ़िया टेंशन है कमरे की वजह से। और चाय, चाय बनने रख दी हमने। चाय बना ले। चाय बन गई। ब्रेड आ गए। सेक लेना ब्रेड है। सेक ले ब्रेड। हाँ, अच्छे जल्दी नाश्ता करके हट के लो, चलें जल्दी जल्दी। अभी आलू बोलने रख दूँ, पहले कचौड़ी बनाऊंगी ना। हाँ, पहले आलू बाल लो। अरे खाना हमारे खाला से बिल्कुल मतलब नीचे से, बच्चे भी खा पी ले तो टाइम नहीं मिलेगा ना हम लोगों को। फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत टेंशन है कमरे की, कल से बहुत टेंशन हो रही है। कोई भी मन काम में कमी लग रहा है, देखो सामान कैसा फैला पड़ा है। चाय बन चुकी है, कल भी हम लोगों ने बाहर से खाना मंगा लिया था, घर में खाना नहीं बनाया। हम जा रहे हैं, कल पूरे दिन देखे हमने कमरे, कहाँ मिलेगा आपको जरूर दिखाएंगे, आप लोग जरूर दिखिएगा। और निकलने वाले हैं, एक आध घंटे में बस खाना बन जाए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे खा पीएंगे। किराए की कमरा, भगवान अपना मकान चाहे छोटा सा ही हो अपना ही होना चाहिए, लेकिन क्या करें मजबूरी कुछ भी। देखो दोस्तों, ब्रेड सेक रहे हैं। हाँ बेटा, मम्मी ब्रेड सेक रही हो? हाँ बेटा, आज सुबह का नाश्ता यही है? नाश्ता यही है, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग कमरे देखने के लिए। मन बिल्कुल अच्छा नहीं है, 15 साल हो गए इसमें रहते हुए, तुम लोग छोटे से बड़े हो गए हो। घी लगा के सेक रही हूँ ना ब्रेड में। देखिए दोस्तों, मम्मी कर रही हैं काम, पापा भी चलते हैं भाई। पापा हेल्प करा रहे हैं मम्मी के संग। आ ऐसा करो, तुम बनाओ कचौड़ी और हम खाएं। कचौड़ी हम यार बनाना है, मैं बना लेते हैं, पर बनाना होती जरूर बनाते हैं, सबको बनाते हैं, बनाएंगे। कौन से दिन हुए ऐसा कि जो हम सब बनो बनाओ खाना खाएं? बहुत टाइम आई ना ना पानी ना, तब तो कुछ चाय बन रहा ना। चाय आर्यन आए जाए, आर्यन कुल्ला करने गए हैं। आर्यन गया है ब्रश करने के लिए, ब्रश करके आएगा फिर हम सब लोग चाय एक साथ पी लेंगे। तो मैं आलू बल्ले रख दूँ? हाँ रख दो। हाँ, दिमाग तो बिल्कुल ही खराब है, दिमाग अच्छा हो जाएगा ना तो सब काम अच्छा हो जाएगा। बारिश भी हो रही है, देखो इस बार दिखाओ, बारिश हो रही है और जाना है। जल्दी जल्दी लाओ चाय भाई, चाय 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 क्या करें, पूरे दिन से टेंशन रहते हैं, उसको हम थोड़ा मूड सही करने हैं, आगे भी बढ़ने हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं, एक पल भी रोना
पापा धोएंगे। ये मेरी चाय, ये है आर्यन की चाय, ये मेरा चाय। मशीन जाएंगे आर्यन, मशीन कितने की आती है? रखो ओवन, ओवन हाँ पता है। कुरकुरे कुरकुरे ब्रेड सीखते हैं, अंदर डालो और हम कुरकुरे। पिज्जा भी बन जाता है, बर्गर भी उसमें बन जाता है। मैं हाथ से कढ़ाई में बना दूंगी। तो फिर खुद कॉल आएगा इनका। तो देखो फ्रेंड्स, आयुष मेरे साथ छिलवा रहा हूँ आलू। कौन बच्ची अपनी मम्मी की हेल्प करवाते हैं जरूर बताना, ठीक है? और मम्मी के संग जरूर हेल्प करवाना चाहिए। मम्मी अकेले काम करती रहती है पूरे दिन। आलू की कचौड़ी बताना आप लोग कैसी लगती है सबको। अभी बनाऊंगी मैं गरम गरम, और आ जाओ खा लो आके मेरे घर पे रायता के साथ बूंदी के। आर्यन देख रहा है, आर्यन तो जा रहा है दुकान पे है। आर्यन आयुष को तो बूंदी का रायता बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और फिर देखो मौसम बिगड़ गया। अरे बाप, तो मैंने ये आलू छील लिए हैं मैंने और आयुष ने, और अब मैं इसमें मिलाऊंगी नमक, साबुत धनिए, सौंफ और मिर्च। मम्मी आप कचौड़ी बहुत अच्छी बनाती हो। कचौड़ी जब अच्छी बनाती है सब सारे मसाले मिलाती है। इसमें पहले हींग मिलाऊंगी, ठीक है? मिला लिया, ये सारा मसाला पीस दिया। हाँ, सौंफ धनिया मिर्च नमक मम्मी इसमें डाल रही हैं, देख सकते हो आप लोग। काट लो हरे धनिए, चटपटी बना देते हैं, ठीक है? ये सब डाल देती हूँ। हरे धनिया भी काट दिए? हाँ हरे धनिया काट दिए। ये देखो ये तैयार हो चुका है। अरे अरे तो बताओ रेडी जा रहा है। तो भर भर के बनाऊंगी आज कचौड़ी। बारिश हो रही हो तो कचौड़ी पकौड़ी यही सब चीजें तो अच्छी लगती है। तुम इसमें क्या डाल रही हो? इसमें मठा। क्या बनाओगी? बूंदी का रायता? बूंदी का रायता, कचौड़ी गरम गरम। ये भरते का पेस्ट तैयार हो गया है, यहाँ रखा है आटा मारने के लिए। इस मौसम में तो कचौड़ी और बूंदी का रायता मजे ही आ जाएगा खाने में। बहुत ज्यादा जल्दी काम से बड़ी जल्दी बन जाए, तो चलते हैं। तुम भी तो चलोगे कमरा देखने के लिए हमारे साथ? हाँ देखो आप पढ़ रहे हैं। ये देखो ये, हाँ, और हमने डाल दिया बूंदी। अब इसे हींग और जीरा से छौंकेंगे। हमने इसे हींग और जीरा से छौंकेंगे, थोड़ा फूल जाए ना ये सब छौंक। तो फ्रेंड्स बाहर का मौसम देखिए इतना वैसा हो रहा है, मगर फिर भी हम लोग देखने जाएंगे मम्मी पापा और मैं, है ना मम्मी? देखियो इसीलिए जल्दी होगी कचौड़ी। पापा पंखा बंद कर दो। सजाया था हम लोगों ने, मगर क्या करें अब। कल ही लगाए थे सारे पेपर अलमारी में ना। कोई नहीं भाई, नई जगह जाएंगे, नई जगह अगर देखेंगे तो पैसा वेस्ट ही चला जाएगा। कढ़ाई मार के आ गए, कढ़ाई रख दी है। सीधा काज करने जा रहे हैं, ये रायता छौंकने जा रही हूँ। ये जीरा है मेरे हाथ में, जीरा और हींग से छौंकूंगी रायता। नमक मिर्च डाल दिया इसमें और जीरा हींग से छौंक दिया। मैं बनाऊंगी कचौड़ी। कचौड़ी जलेली बनाओ फटाफट, आयुष खाएंगे। आयुष कह रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ, तो तैयार बैठे हुए बेचारे देखो आयुष बेटा। अरे ऐसे ऐसे जल्दी बना दो। मम्मी बेचारी लगी बनी सुबह से काम कर ही रही है। मम्मी भी काम कर रही है फटाफट जल्दी, कि तुमको भूख लगी बेटा? मुझे भूख लगी है, कचौड़ी दे दो, रायता दे दो। सुबह खाए थे ना इनने ब्रेड, अब बज गए 12। बस मम्मी देखो
अच्छा खाने से मतलब खाना मजा आ गया। क्योंकि आज उसको भूख भी तेज की लगी थी ना, बहुत तेज। मम्मी देखो क्या कर रही है, कचौड़ी बना रही है गर्मा गर्म। आ जाओ सब लोग फ्रेंड्स, कचौड़ी खा लो। आयो आपके बस लाइट नहीं है इसलिए आलू पूरी भरी हुई, क्योंकि इनकी आज कचौड़ी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि कहीं बिल्कुल पतली कचौड़ी बनती है, बिल्कुल पूरी आलू की, बिल्कुल कहीं भी आपको। दुखी हो गए सच में हम लोग, कुछ काम धाम सब घर पे बैठे हुए हैं, मूड इतना खराब है। आप लोग जरूर बारिश के मौसम में कचौड़ी बना के खाइए, कमेंट में बताइए किस किस को पसंद है, और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, और कचौड़ी आपको कितनी पसंद है वो भी बताइएगा। अभी बारिश के मौसम में आप लोग ये बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा और कमेंट मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे, तो हम उसी तरीका से अपनी वीडियो बनाते रहेंगे। और अब आगे का वीडियो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। और वीडियो को मैं यहीं कर रही हूँ एंड, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।